अस्सलामु अलैकुम, हॉन्टेड सेंटर के लिसनर्स को खुश आमदीद। आइए सुनते हैं दो दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ। कब्रिस्तान में शर्त लगाने का भयानक नतीजा। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये हकीकत है, और इस कहानी में कब्रिस्तान में शर्त लगाने का नतीजा देख लें। ये सच्चा वाकया सन 2001 में पेश आया। इन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे, लेकिन अभी तक हमारे गांव में इंटरनेट नाम की कोई शेयर मौजूद ना थी। लिहाजा वक्त गुजारी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर हम चार दोस्त रात को घरों से बाहर चारपाई ले जाते और वहां पर बैठकर गपबाजी करते। गर्मियों का मौसम होता था, बिजली मामूल के मुताबिक नहीं होती थी, सो रात देर तक हम गपशप में मसरूफ रहते। एक दिन हमारी बात जिन्नात की वाकियात पर होने लगी कि फलां बुजुर्ग घोड़े पर सवार रात गए गांव वापस लौट रहे थे। इन्हें एक बकरी मिली, इन्होंने इसे अपने घोड़े के ऊपर लाद दिया और थोड़ी दूर जाकर देखा तो बकरी की टांगें बड़ी हो रही थीं, इस हद दर्जे के ज़मीन को छूने लगी। ऐसे वाकयात तो मैं शौक से सुनता, लेकिन अंदर से डर भी जाता। घर की तरफ रवाना होकर सलीम को अपने रास्ते पर ले आता ताकि अकेला घर की तरफ ना जाऊँ, लेकिन जाहिर नहीं होने देता था कि मुझे डर लगता है। सलीम को इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और इस दिन भी वो इन बुज़ुर्गों के जिन्नाती किस्से कहानियों का मजाक उड़ाने लगा। लिहाजा वसीम ने सलीम से कहा, तो फिर ठीक है, शर्त लगी? तुम अगर कब्रिस्तान के फलां कब्र पर यह गंदा रुमाल और इसके ऊपर ईंट रख कर आ गए तो मान लेंगे तुम्हें, सलीम बोला। अगर रख आया तो? फिर हम मान लेंगे, ये सब कुछ नहीं होता, और तुम शहर में जिस होटल का नाम लोगे वहाँ हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। वसीम ने जज्बे के आलम में जवाब दिया, मगर मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने सलीम को रोकना चाहा कि वो ऐसी शर्त ना माने, लेकिन मुझे दोस्तों की अक्सरियत के आगे हार माननी पड़ी। जब आधी रात हुई तो हम सब उठकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मेरे जहन में पहले से सुनी हुई कब्रिस्तान की कहानियाँ घूमने लगी कि एक बार ऐसे ही किसी ने शर्त लगाई थी और वो वापस नहीं आया था, और ये कि अगर कभी भी जिन्नात पर शर्त लगाई जाए तो वो इस अमल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिस पर वो और ज़्यादा तैश में आ जाते हैं। एक बार तो ये सुनने को मिला कि किसी ने शर्त लगाई और दो दिन बाद इसकी लाश नहर के किनारे से मिली, और एक दिन तो वहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। इस तरह के ढेरों किस्से यके बाद दीगरे मेरे जहन में चल रहे थे। गांव के कब्रिस्तान से मुझे खौफ आता था। मैं गर्मियों की दोपहर को और ख़ासकर अकेले वहां से कभी नहीं गुजरता था। वहां पर बरगद का दरख्त मौजूद था जिसकी शाखें झुककर ज़मीन पर आ गई हैं। हम बचपन से इसे देखते आ रहे हैं। मुझे हमेशा इस दरख्त से खौफ आता था, जैसे वहां जिन्नात का बसेरा हो। मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया कि जहाँ सलीम ने अपना रुमाल रखना है वो कब्र भी तो इसी दरख्त के नीचे है। वो कब्र एक बुजुर्ग की थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जिंदा पीर हैं। इनके बहुत से मुरीदों में जिन्नात भी थे। यूं ही सोचते सोचते हम मंजिल के करीब आ गए जहां हमें रुकना था। यहां से सलीम को अकेले आगे जाना था। मैं तब भी इस खेल को रोकना चाहता था। सलीम चला गया और हम वहीं रुक गए, एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। काफ़ी देर हो गई तो वसीम ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सलीम को गए हुए कुछ ज़्यादा ही वक्त नहीं हो गया, हमें चलकर देखना चाहिए, मुश्ताक ने परेशानी के आलम में कहा। हम तीनों ने हाँ में हाँ मिलाई और इस कब्रिस्तान के रास्ते निकल पड़े। कुछ नज़दीक पहुँचने पर मुझे यूं लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। थोड़ा और नज़दीक पहुँचने पर रोने की आवाज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इस आवाज़ में एक खौफ था। आवाज़ छोटे बच्चे की थी, लेकिन साथ ही बिल्लियों की गुरगुराहट भी शामिल थी। थोड़ी ही देर बाद सन्नाटा छा गया। हम बरगद के दरख्त के करीब पहुँचे तो वहाँ सलीम को बेहोश लेटा हुआ पाया। हमारे औसान खता हो गए। पास पहुँचे तो सलीम की सांसें चल रही थीं। हमने फौरन इसे उठाया और वापस आ गए। हॉस्पिटल में तीन दिन तक इसका इलाज होता रहा। पीरों के चक्कर भी काटे, लेकिन हालत जूं की तू रही। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता तो बामुश्किल अपने होंठों को एक कोने में ले जाकर कहता, शर्त। इसे नींद नहीं आती थी, 24 घंटे आंखें खुली रहती। अक्सर औकात इसके जिस्म में दर्द उठता, लेकिन वो चीख नहीं सकता था, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहते और मुंह से झाग। यूं ही 10 दिन गुजर गए। वो जागता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा, और फिर एक दिन वो इसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया।
ये इसके कुल वाले दिन की बात है। हम तीनों जब दुआ कर इसके घर से बाहर निकले तो हमारी नज़र इसके दरख्त की दीवार पर पड़ी, जिस पर वही गंदा रुमाल धरा पड़ा था जो सलीम कब्र पर रखने गया था। इसे देखकर हम दहशतजदा रह गए। आज तक हम इसकी मौत के हकीकी इसरार का पर्दाचाक करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कब्रिस्तान में शर्त लगाने और एक बुजुर्ग हस्ती की कब्र पर गंदा रुमाल रखकर बेहुरमती करने का अंजाम था। आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। रात सर्द थी, मैं गेट हाउस में सोता था जिसका एक दरवाज़ा बाहर रोड की तरफ भी खुलता था। रात को ये सुनसान हो जाता था क्योंकि ये एक शॉर्टकट रोड है जहाँ से लोग दूसरे गांव जाते हैं, और इस रास्ते पर पुराना उजड़ा फार्म और बरसों पुराना कब्रिस्तान होने की वजह से सरे शाम ये रोड सुनसान हो जाता था। वो ऐसी ही एक सुनसान रात थी जब रोड वाली खिड़की अचानक खड़ाक की आवाज़ से खुल गई और ठंडी हवा ने मुझे नींद से जगा दिया। सख्त ठंडी हवा की वजह से मोटा कंबल एक पतली चादर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से खिड़की बंद करने के लिए खुद को आमादा किया और कंबल समेत खिड़की के पास जा पहुंचा। खिड़की को अच्छी तरह लॉक करने के बाद जैसे ही मैं वापसी के लिए मुड़ने लगा तो मेरी नज़र बाहर रोड पर पड़ी, जहां एक औरत के वजूद का एहसास हुआ। वो जो कोई भी थी सुनसान रोड पर अपने घुटनों में सर देकर बैठी थी। चांद की दूधिया रोशनी में इसके काले बाल हवा से उड़ रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे ये अपना वहम लगा, मगर गौर करने पे मुझे इस बात का इदराक हुआ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है। शायद कोई औरत इस वक्त किसी मुसीबत का शिकार हो या घर से भागी हो। सौ तरह के वसवसे जहन में आने लगे। इंसानी हमदर्दी जागी और मैं कंबल और पेंसिल टॉर्च लेकर गेट हाउस के दरवाजे को खोला और लहू जमाती सर्द हवा के सामने सीना ताने बाहिरान मौजूद हुआ। रोड चंद मीटर के फासले पर था। इस खातून की पोजीशन भी वही थी जो खिड़की से नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते मैं इसके सर पे जा पहुंचा और हल्के से खंकार के इसको मतवजा करना चाहा, मगर वो अनसुनी किए इसी पोजीशन में बैठी रही। मैंने ऊंची आवाज़ में इसे मुखातिब किया, सुनिए आपको कोई मसला है क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। इसने चंद सानिये बाद अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद था। अनजाने खौफ से मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। अचानक मेरी नज़र इसके हाथों और पैरों पर पड़ी। इसके हाथों पैरों से सारा गोश्त गायब था, जैसे किसी ढांचे का होता है। पेंसिल टॉर्च मेरे हाथ से गिरी और मैं इसकी सवालिया नज़रों से भागता हुआ गेट हाउस में जा घुसा। दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और खौफ से कांपता बिस्तर में जा घुसा, कंबल सर तक ओढ़ लिया। इसी दौरान गेट हाउस का दरवाज़ा बचा। देर तक दरवाज़ा बचा मगर मैं दबका रहा। मदद करो मेरी, डर के क्यों भाग गए, बाहर आओ, मुझे कुछ खाने को दो, ताज़ा खून ही सही, ताज़ा गोश्त ही सही, करो मदद, करो मेरी मदद अगर कर सकते हो। दरवाजे की सिम से आवाज़ उभरी। चंद लम्हों बाद खौफ से मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह मोबाइल के अलार्म से आंख खुली। रात वाला वाकया एक डरावना ख्वाब लगा और मैं खुद पर हंस दिया। वाकई ख्वाब कितना हकीकत के करीब था। खिड़की बंद थी, मैंने खिड़की खोल दी। इसी दौरान मेरी नज़र सड़क पर पड़ी जहाँ मेरी पेंसिल टॉर्च मेरा मुँह चढ़ा रही थी। इसी तरह की खौफनाक और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करें।